भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। धनबाद में 3 कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। धनबाद उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आज धनबाद 3 में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई, जिसके बाद धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने सभी क्षेत्रों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस बात पर जोर दिया कि इसे आगे फैलने नहीं दिया जाएगा। धनबाद से मनीष कुमार झा की रिपोर्ट। आज यहाँ पे गोविंदपुर के सबलपुर बस्ती में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एक कोरोना संक्रमित जो निजी लैब में जांच हुआ था, उनके संक्रमण का जो है वो रिपोर्ट आया है। एहतियातन तौर पे इस क्षेत्र को जो है वो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए आज जिला प्रशासन जो है वो पूरा विजिट कर रहा है। कंटेनमेंट जोन को हम लोग जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ताकि उन क्षेत्रों में रह रहे सभी लोगों को होम क्वारंटीन में जो है वो किया जा सके। संक्रमित जो महिला हैं वो और साथ ही साथ उनके परिवार के तमाम सदस्यों को, संक्रमित महिला को जो है वो कोविड हॉस्पिटल में और उनके परिवारजनों को आइसोलेशन सेंटर्स में जो है वो भेजा जा चुका है, जहाँ पे उनके सैंपल की जांच जो है वो की जाएगी। जो एहतियाती कदम है यहाँ पर वो उठाए जा रहे हैं, खासतौर पे धारा जो कर्फ्यू जो है वो यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर न निकल सके। आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति जो है वो घर में ही सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए एक 24/7 कार्यरत जो है वो एक कंट्रोल रूम यहाँ पे जो है वो फंक्शनल रहेगा, जो स्थानीय लोगों को जो भी उनके आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी सप्लाई जो है वो सुनिश्चित की जा सके। इस पूरे क्षेत्र में हम लोग जो है वो सर्विलेंस का भी काम करेंगे, ताकि घर घर जा करके किसी व्यक्ति को अगर लक्षण है तो उसको तुरंत जो है वो हम लोग आइसोलेट कर सकें, उसकी जाँच कर सकें।